Oh.
कृष्ण पैर अगों की जे चेती है ये चितावनी अगों की जे चेती है ता कायत मिले सजाल चितावनी कबीर है चितावनी भगवत कबीर जी दा लड़ी वार आज दा पहला श्लोक जिंदा पहला लफ्ज बड़ा काम दा ते समझन वाला है इसीलिए मैं हर रोज ते हर किसी नु एक गल आखना पड़ियो आप गुरबानी पढ़ो समाधियों गुरबानी समझो गुरबानी इंद विच्चों बड़े राज खुल देने उन लफज चेतावनी है बड़ा साढ़े आप वर्तों विच आने वाला लफज चेतावनी का आखरी अर्थ की होता है आने वाले खतरे तो पहला किसी को आगाह करना उन्हें कहते हैं चेतावनी मैं तेनू चेतावनी देना आ कुछ होने वाले ही कहते हैं मत किते भुलेखे विच रह जाए बाद विच मैनू उलांभा दे में तू मैनू नहीं दस्या बाबा कबीर जी का श्लोक है मैं अपनी जुबानों में कह रहा इन कहते ने चेतावनी मैं तेन चेतावनी दित्ती सी भी संभल जा तू मेरी चेतावनी नहीं सी चेतावनी का अर्थ होंदा समय तो पहला किसी नूं आगाह करना मनुख चाहता है सरकारां तुसीं रोड्स ते देखदे हो तां स्टॉप साइन होंदा कदे होया है भी रस्ता लंघन तो बाद स्टॉप साइन लाउण कदी हो रहा है चौरस्ता लंघन तो बाद स्टॉप साइन लगा पहले पहले तक की अर्थ है कि चौरस्ता आने वाला है रुक वेख कोई इधरों तो नहीं होना जे असी आखिए भी बाद क्यों नहीं लाया तो उनका फायदा की होगा चेतावनी तो स्टॉप साइन जरा एक चेतावनी है तेन सुचेत कर रहा है चेतावनी का अर्थ है सुचेत करना सुचेत करने का फायदा तो है जो पहला करे तक बात करे तक ही फायदा जरा इस श्लोक को दोबारा पढ़े मैं तेन जेड़े लफज कह रहा ना ये चेतावनी ने कबीर है चेतावनी
क्यों दे रहे हैं? मत संसारे जा, मत भुलिया ही रह जाए, मत भुलेखे विच पै जाए, ये चेतावनी है। उसकी चेतावनी का मतलब होंदा है किसी को समय तो पहला सुचेत करना, फिर बाद में आखीदा मैं तेनू चेतावनी दिती सी, समझिया ने मैं एग्जाम्पल दिती सी, आ स्टॉप साइन पहला क्यों लाया जाता है चौरस्ते तो बाद में क्यों नहीं लाते, लोड़ी पहले अगे चौरस्ता रोक दो पास देख कोई होता नहीं आ रहा, स्टॉप साइन जेड़ा है वो चेतावनी है, कई थावां ते लाइना मर्ज होंदियां ने दूजे विच, जिथे जाके मर्ज होंदियां ने उहदे तो पहला साइन आ जांदा है मर्ज होण दा, कदी इह वी होया मर्ज होण तो बाद किसे ने साइन लगाया होवे, उह पटे उह काम गल्लां रोजाना जीवन दियां ने, कदी वेखिया जी लाइन मर्ज होने तो बाद किसी ने साइन लगाया हो, कोई एग्जिट आता तुसी बाहर निकल गए, वो आने वाली सड़क केड़ी है उनका साइन पहला आ जाता है, जेड़ा है साबित करता है भी आने वाला एग्जिट जेड़ा है उन्हें तैनू इस सड़क ते इस मोड़ ते पहुंचाना है, आपका सुचेत हो जा ऐस मोड़ ते तेनू पहुंचाएगा, हर साइन जेड़ा है वो एक चेतावनी है। लो मैं दूजी तरफ से बच बाबा कबीर जी दे इस लफ्ज़ को बड़े संक्षेप में समझा दी, हर साइन जेड़ा रोड से लगा हुआ है वो एक चेतावनी है, चेतावनी चेतावनी लाई गई है, जी ऑब्जेक्ट लग जाए ते बाद में का अर्थ होंगे आने वाले समय के खतरे तो किसी को पहला आगाह करना, मत ओनू भुलेखा रह जाए आखे जी मैं तो भुल गया मैं तो पता ही नहीं लगा आ मोड लंघ गया, वो कहिंदा मैं तेनू पहला बोर्ड लिख के लाया, चेतावनी का अर्थ है समय तो पहला आगाह करना, बाबा कबीर जी ने बसबत दिते जरा रुकियो कबीर जी कहते मैं तेन सुचेत कर रहा, गुरबाणी की एक लाइन आई सी हुणे सुचेत की कर रहे हैं, कुरिये किनारे किनारे चलन वाले उत्तर की बोली वैद्या जाना तुरना चलना, किनारे किनारे चलन वाले ध्यान रखी कई बारी दरिया का वहन किनारे थल्यों खोर दिता है, देखो कि गंभीर गहरी गल गुरबाणी गुरबाणी समझन की क्यों लोड़ है, कह लगे किनारे किनारे तुरन वाले मैं तेनू चेतावनी दिना, ये चेतावनी किनारे किनारे चलन वाले तेनू पता हो गए दरिया का वहन कई बार किनारे थल्यों खोर दिता है, उपरों किनारा दिसदा है अजे दो चार फुट अगे है पर थले कुछ भी नहीं होता, किनारा टुट जाता है थले चिकड़ होता है, मनुख डिग पैंदा है ते डिग के जे पला रुड़े ना तो कम से कम इन्ना जरूर हो जाता है कि वह चिकड़ के छिट्टे होके तन के कपड़े से पै जाते हैं, गुरबाणी यो चेतावनी दे रही है, कहते
ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਛਿੱਟੜ ਥੀਵੰਦੋ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਬੀਰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਖੇ ਛਿੱਟੜ ਥੀਵੰਦੋ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਫਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹੋ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਏ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਿਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੇ ਛਿੱਟੜ ਥੀਵੰਦੋ ਜਾਮ ਖਿਸੰਦੋ ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਖਿਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਖਿਸਕਿਆ ਛਿੱਟੜ ਥੀ ਜਾਏਗਾ ਅਜੇ ਥੀਆ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦੇਖੇ ਛਿੱਟੜ ਥੀਵੰਦੋ ਜਾਮ ਖਿਸੰਦੋ ਪੈਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਬੀਰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਤ ਸਰਸਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਮਤ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂੰਗਾ ਹੀ ਨੇ ਆਖੇ ਪਾਛੇ ਭੋਗ ਜੋ ਭੋਗਵੇ ਤਿਲ ਕੋ ਗੁੜ ਲੈ ਖਾਏ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਰੂੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਰੂੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੂੰਗੇ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੂੰਗਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਇਹ ਆਦਤ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਰੂੰਗਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਰੂੰਗਾ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੋੜ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੂਲਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਪਾ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕੋਕ ਲਿਆ ਵੀ ਲਿਆ ਨਵੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਅਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਉਂ
ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਰੂੰਗਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਰੂੰਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਰੂੰਗਾ ਉਦੋਂ ਰੂੰਗਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੂੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਵੱਧ ਲਈਏ, ਕੱਟ ਲਈਏ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੂੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸੁੱਖ, ਕੁਝ ਕੁ ਭੋਗ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂੰਗੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ, ਪੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਵੇਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਘਾਟੇ ਕਾ ਸੌਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਾਟੇ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ, ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ, ਇਆਣੇ ਬਾਲਕ ਵਾਂਗੂ, ਇਆਣੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਮਝ ਨੂੰ, ਇਆਣੇ ਬਾਲਕ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਦਿਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰੂੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰੂੰਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਰੂੰਗੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਲਓ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਆਣੇ ਬਾਲਕ ਵਾਂਗੂ ਕਿਤੇ ਰੂੰਗੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਇਹ ਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭੋਗ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੂੰਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਕਹੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ ਰੂੰਗੇ ਦਾ ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੌਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਤੇ ਉਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੰਡਿਤ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਆਚਾਰੀਆ ਆਖਦੇ ਸਨ।
महान विद्वान मनिया जाता सी काशी का पढ़िया होया जी भावे बदलवे रूप च रखिया असी ना काशी क्यों रखिया अज दमदमा साहब नू ये आखते ने गुरु की काशी के लिए जी काशी जरूरी है गुरु की विद्या तो श्री गुरु ग्रंथ साहब हर थां ते गुरु की काशी है जो गुरु पढ़ा रहा है वो तो श्री गुरु ग्रंथ साहब है इस तो ज्यादा और किसी वेद शास्त्र को पढ़ने की लोड़ भी कोई नहीं गुरबाणी का बहुत सारा विचार इस विषय से किया जा सकता है गुरबाणी आखती है कि मैं किसी होर विद्या की वेद शास्त्र की लोड़ नहीं मेरे लिए गुरबाणी सब कुछ है हूँ जो गुरबाणी ही विद्या है तो वह हर थां है हर थां है मेरे को भी है तुहाडे को भी है हर गुरुद्वारे स्थान से प्रकाश है किसी की मोनोपोली नहीं हर कोई श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर सकता केडे भुलेखे असी श्री गुरु ग्रंथ साहब रूप काशी से भी कब्जा करना शुरू कर दिता है फलाने के घर प्रकाश हो सकता है फलाने के घर नहीं हो सकता यह आदमी इस पढ़ाई कर सकता है यह नहीं कर सकता वधिया लाती श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश पाठ भी हर कोई नहीं कर सकता एक वो काशी है एक ब्राह्मण वाली काशी नहीं जिथे केवल ब्राह्मण में विद्या दी जा सकती है ये तो वो काशी है जेड़ी आवाज दिंदी है ते कहंदी है खत्री ब्राह्मण सूद वैश उपदेश जो वरना को काशी में जाके दिखा दियो कितने बोर्ड लगा हुए उत्थे ब्राह्मण तो बिना दूजे को विद्या नहीं पढ़ाई जा सकती इहो कारण कबीर जी के सामने भी आया उन्हें पता सी भी इन वेदा शास्त्रां की विद्या मैनू नहीं किसी ने पढ़ाई वह कहता मैनू लोड़ भी कोई नहीं मैं गुरु नाल रब नाल जुड़न आया मैं विद्या पढ़ के की लैना ये जेड़ी विद्या ये काशी वाले पढ़ाते हैं मैं क्यों पढ़ा मैनू पढ़न की लोड़ ही नहीं एक पासे बाबा कबीर वो काशी वालियां दी विद्या नहीं सी पढ़ता तो दूजे पासे लोग आखते सन ओहो ही लोग जेड़े देखते सन भी उपदेश तो इदा लोग मनते ने सुनते ने बाबा कबीर ओहो ही पंडित ओहो ही ब्राह्मण दूजे पासे कबीर के जीवन से इतराज करने ये गल आखदा सी ये अनपढ़ है तो पढ़िया होया भी नहीं इन्हें तो वेद पढ़े नहीं पागल है बावरा है वेद पढ़े नहीं अनपढ़ है तो लोगों को उपदेश करता है बाबा कबीर को एक गल आखनी पई विद्या ना पढ़ो विद्या ना पढ़ो बात नहीं जानो हर गुण कथक सुन बोरानो मेरे बाबा मैं बोरा मेरे बाबा मैं बोरा सब खलक से जेड़ा मैं भुलिया ना बेशक कोई तुसी ना भुलियो मैनू तुहाडे काशी दे वेद शास्त्र पढ़न दी लोड़ नहीं मैं केवल रब नाल मिलना चाहना मैनू ओंदे रस्ते दी लोड़ है मैनू लोड़ नहीं तुहाडे विद्या
दे इसके अंदर। हम देखना यह है कि बाबा कबीर काशी में रह के काशी की विद्या प्रवान नहीं कर रहे, पर असी दमदमा साहब का नाम गुरु की काशी रख लिया है। काशी लफ्ज में तो सरदा नहीं, उत्थे गुरु ने कोई वक्री विद्या पढ़ाई, श्री गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ाया ना, तो श्री गुरु ग्रंथ साहब तो अपने आप में काशी है। जिथे भी बैठा है सिख, वो मैं हमने अर्ज की थी, उस काशी में तो दरवाजा बंद है सारे लिए, केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी काशी है उत्थे सब लिए दरवाजा खुला है, कोई गावे को सुने हरनामा चित लाए, कह कबीर संसार नहीं अंत परम कथपा, ये सारे लिए दरवाजा खुला है। खत्री ब्राह्मण शूद वैश उपदेश जो वरना को समझा, इस काशी में हर कोई पढ़ सकता है, पढ़ने वाला हो वे, श्री गुरु ग्रंथ साहब को समझने वाला, गुरबाणी को समझने वाला हो वे, ता इसे दा दरवाजा किसी लिए भी बंद नहीं। ये है गुरु की काशी, असल में श्री गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु की काशी है, जिंदे ते ब्राह्मण वांगू किसी का कब्जा नहीं। असी कब्जा कर ही जाने दिन ब दिन, ये हालात पैदा हो रहे हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब ते भी ताकि घर घर श्री गुरु ग्रंथ साहब ना जा सके। ब्राह्मण कहता सी ना जेड़ा विद्या काशी की विद्या पढ़े ब्राह्मण तो बिना उनके कन्ना सिक्का ढाल दे, चाहता सी ना पढ़े। श्री गुरु ग्रंथ साहब की विद्या पढ़न ते भी पाबंदियां लगाई जा रही ने, ताकि साड़ी मर्जी बिना साड़े पुछे बिना कोई ना पढ़े। श्री गुरु ग्रंथ साहब के सूप इकट्ठे लिया गए, कई वापरिया भी होगा, जो कोई घर में प्रकाश करने लिए उन्हें कुल जाता से ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरी जाति कोई विरोध वाली गल नहीं, जो उन्हें कोई श्री गुरु ग्रंथ साहब का सरूप लेने जाता से ना, भी मैं घर प्रकाश करना ताकि बच्चे सवेरे उठ के नमस्कार कर, कोई पाठ करेगा कोई, सर नहीं पहला सब अपना घर दिखाओ, साड़ी मर्जी का होवे उत्थे विच की इंतजाम होवे, साड़ी मर्जी बिना सिख अपने घर श्री गुरु ग्रंथ साहब भी नहीं जा सकता। मसले आए काशी के कब्जे हुए, एक काशी श्री गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु ने बाणी अंदर हर गल का फैसला किया, कह लगे काशी मत लैनी जाना है, बाणी का फैसला है, पर गुरु कहते ने पढ़िया किसे काशी में मत नहीं मिलती, मत तो श्री गुरु ग्रंथ साहब को मिलेगी, ये फैसला मेरा नहीं गुरबाणी का है। गुरु कहते ना काशी मत उपजे ना काशी मत जाए, सतगुरु मिले है मत उपजे ता सो जी पाए, ये गुरबाणी के फैसले ने कोई मेरे नहीं, गुरु आखते ने ना काशी मत उपजे ना काशी मत जाए, सतगुरु मिले है मत उपजे सो जी पाए, पर असी काशी लफज ना भुले, असी दमदमा साहब का नाम ही रख लिया गुरु की काशी, वो पढ़िया काशी के जेड़े पैरोकार ने ना उन्होंने बड़े भरम पैदा किए गए ने, बाबा कबीर ने एवं नहीं आख दिता शगल जन्म शिवपुरी गवाया मरती बार मगहर उठाया जैसा मगहर तैसी काशी, एक एक लफ्ज नू विचारना है, कह लगे मेरे वास्ते काशी ते मगहर दा जिहड़ा नाल कोई दूजा शहर है जिथे बारे इथों तक ब्राह्मण ने प्रचलित कर दिता कि जिहड़ा मगहर दी धरती ते मरेगा खोते दी जून पाएगा, जिहड़ा काशी विच मरेगा वो मुक्त हो जाएगा। ते बाबा कबीर ने आख दिता, कहन लगे मैनू लोग आखते ने शगल सगल जन्म शिवपुरी गवाया मरती बार मगहर उठाया, चंगा मूर्ख मैनू लोग अनपढ़ बाबरा आखते ने केड़ा मूर्ख सारा जन्म धरिया काशी विच ते जो मौत नेड़े आई मगहर की धरती विच आ गई, इन्हू नहीं पता सी उत्थे मुक्ति हो जाती है, इत्थे मुक्ति नहीं होंदी, मरती बार मगहर उठाया
पर बाबा कबीर ने जवाब बड़ा खूबसूरत दिता ते कहन लगा जैसा मगर तैसी काशी हम एक एक कर जाने। मैनू तो प्रभु नाल रिश्ते की लोड़ है, प्रभु नाल मिलाप की लोड़ है, मैनू किसे काशी या मगहर की धरती नाल कोई संबंध नहीं, ये चेतावनी है। सियाणप समय आने तो पहला हर किसे ते वो आखिरी दिन आना है ताकि उन्हें भुलेखा ना पर साडे विच भी पैदा हो रहा है, अनेक पैदा हो रहे हैं। गुरु ने आख्या बाबा कबीर जी दे राही आख्या ये भुलेखे दूर करने ने। बाबा कबीर कहन लगे मैं की देखिया काशी विच उत्थे वेद शास्त्र पढ़ाए जांदे ते लोग आखदे ने पढ़ाई विद्या वेदा शास्त्र की इथों की काशी की जरूरी। साडे इतिहास में भी पा दिता कि गुरु साहब ने भी अपने सिखा नूं काशी भेजिया पढ़ने वास्ते, ये सब कुछ पाया गया ताकि साडा पल्ला किसे तरह फसिया रहे। उन्होंने सिख नूं जिहड़ी उनका नतीजा ही निकलिया कि काशी तो भेजे हुए लोग निर्मले ते उदासियां दे रूप विच साडे विच विद्वान बन गए क्योंकि साडा काशी नाल संबंध रूप जुड़िया होया सी, ये कुछ बन गया ते यो बनाया गया। पर बाबा कबीर पढ़ो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़ो, समझो। बाबा कबीर ने आख्या कहन लगे मैं उन्हां वाल उन्हां दी पढ़ाई वाल विद्या पढ़ के विद्वान बनन नाल समझिया भी खोरे लोगों ने भी समझिया, मैं भी समझिया खोरे बड़ी चंगी गल मैं जानिया पढ़बो से भलो कबीर मैं जानिया पढ़बो भलो पर ने मैनू पता लग गया पढ़बो स्यो पर जोग जोग दा अर्थ है मिलाप। पढ़ाई नालों इन्हां दी इस विद्या नालों रब नूं रब दे राह तुरना उन्दे मिलाप की गल करना ज्यादा चंगी। इस लई भगत ना छोड़ो राम की भावे निंदो लोग भावे मैनू कई जाने अनपढ़ है। इन्हें बनारस के पंडितां ब्राह्मणां वाली विद्वानां वाली विद्या नहीं पढ़ी, इन्हें वेद शास्त्रां का ज्ञान नहीं लिया पर भलेओ मैं प्रभु भगती नूं नहीं छड्ड सकदा भावें मैनू चंगा आखो भावें मंदा आखो मैनू तुहाडी पढ़ाई की लोड़ नहीं। मैं जाने पढ़बो भलो पढ़बो सो भल जोग भगत ना छाड़ो आराम की भावे निंदो लोग। अगले पासे कहन लगे जेड़े मेरी निंदा करन वाले ने ना कि मूर्ख है पढ़िया है नहीं ना विद्या शास्त्र का ज्ञात है एवें लोग इंदे कोल उपदेश सुनते हैं। बाबा कबीर कहने जेड़े लोग इं कह के मेरी निंदा करते ने ना वो बेचारे ज्ञानहीन ने जानते ही नहीं पढ़ाई की चीज है विद्या ब्राह्मण की चीज है प्रभु का मिलाप की चीज है। अगले श्लोक में आखते हैं लोग ने जाने बोरा शास्त्रां विच ओह गल नहीं जो प्रभु भक्ति प्रभु दे मिलाप विच है। मेरा निशाना मेरा आदर्श मेरी मंजिल विद्वान होना नहीं वेदा शास्त्रां नूं पढ़ना नहीं, मेरी मंजिल तां है प्रभु नूं किवें मिलिया जाए। राम कबीरा रब रहे
शरीर जेड़ा है वो राम विच अभेद हो गया है। उन्हें बाकी सारे काम छड़ देते ने, केवल प्रभु दा सिमरन, प्रभु दी याद ही हिरदे विच टिका के उन्दे मिलन दा रस्ता ही इख्तियार कीता है। मैं बाकी सारे काम छड़ देते ने। चेतावनी देना चाहना मत कितने भुलेखे बच रह जाओ कभी जीवन बिता दे चेतिए तंकायत मिले सजाए दे मुताबक चेतावनी परे लफ्ज़ां नाल बाबा कबीर आखदे ने समझ लै अपने जीवन दा असल मकसद किते ऐसा ना हो जाए जीवन मिले है ते बिरथा चला जाए। इन्हां शब्दां नाल खिमां दा जा चेता फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।